सिटीजनशिप एक्ट पर बट गई है नीतीश की पार्टी। वो नीतीश जो लगातार अपनी पार्टी का दम भर रहे थे, आखिरकार क्यों दो टूक में बट गई। प्रशांत किशोर बोले अपने रुख पर कायम है तो जेडीयू सांसद ने कही बड़ी बात। जेडीयू प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार दोनों में ठन गई। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद कहा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें नीतीश कुमार को तय करना है कि कौन सही है और कौन नहीं। मैंने जो विचार प्रकट किए उन पर कायम हूँ। पूरी तरीके से नीतीश कुमार के लिए अभी जो वक्त है वो सोचने वाला है। जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में बैठक की और बाद में कहा कि वो नए नागरिकता कानून को लेकर अपने रुख पर कायम हैं। गौरतलब है कि किशोर ने नागरिकता कानून सिटीजनशिप एक्ट का उनके पार्टी द्वारा समर्थन किए जाने की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद किशोर ने कहा कि संबोधित नागरिकता कानून बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के साथ मिलकर समस्या बन सकता है। कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, जबकि एनआरसी में भारत के सभी वास्तविक नागरिकों का नाम होगा। इससे पहले किशोर ने ट्वीट किया था कि ये कानून एनआरसी के साथ मिलकर व्यवस्थित ढंग से लोगों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव और यहां तक कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए घातक गठजोड़ बन सकता है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर जेडीयू ने बिल पास कराने में बीजेपी का सदन में साथ दिया था, जिसका विरोध लगातार जारी है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।